हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 12th के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर आप लोग को कैसे पेपर स्टाइल्स में ये पेपर लिखना होगा, उसके बारे में आज पूरी बातें करेंगे। अगले वीडियो से आप लोगों को हर एक चैप्टर वाइज सभी के डिटेल टू डिटेल सम सिखाए जाएंगे। इस वीडियो में आप लोगों को सारे पेपर स्टाइल समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें टोटल 9 चैप्टर्स है। 9 चैप्टर्स के अंदर आप लोग को दो बुक दी जाएगी, पूरा सिलेबस दो बुक में डिवाइड किया हुआ है। दो बुक के अंदर टोटल 9 चैप्टर्स है। पार्ट 1 के अंदर 4 चैप्टर्स दिए गए हैं और पार्ट 2 के अंदर 5 चैप्टर्स दिए गए हैं। उसके अंदर टोटल आप लोग को स्टैटिस्टिक्स में 100 मार्क्स का पेपर लिखना है। पार्ट 1 के अंदर आप लोग को फर्स्ट चैप्टर है जो इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर चैप्टर का वेटेज है 12 मार्क्स। 12 मार्क्स में ये चैप्टर आप लोग को करना है कवर। सेक्शन ए में आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जो आप लोग के हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से आप लोग को एक आंसर लिखना होगा। और सेक्शन बी की बात करें तो आप लोग को उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं, जो एक 1 or 2 सेंटेंस के अंदर आप लोग को उसके आंसर लिखने होंगे। सेक्शन सी में आप लोग को 2 मार्क्स के लिए छोटे-छोटे कैलकुलेशन वाले सम दिए जाएंगे, या फिर 2 मार्क के 5 or 6 सेंटेंस में आप लोग को थियरी लिखनी होगी। उसके अलावा उसके बाद सेक्शन डी में, सेक्शन डी के अंदर सारे क्वेश्चन आप लोग को 3-3 मार्क्स के दिए गए होंगे। इसमें ज्यादातर पे आप लोग को कैलकुलेशन वाले सम दिए गए होंगे और कोई भी एक चैप्टर में से आप लोग को थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सेक्शन ई की बात करें तो पार्ट 1 के अंदर से कोई भी आप लोग को 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। आप लोग को पार्ट 2 के अंदर में से 4 मार्क के 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो होंगे प्रोबेबिलिटी में से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से और लिमिट और डिफरेंशिएशन में से। 4 मार्क के सम में कंपलसरी आप लोग के सम ही उसमें आने वाले हैं। उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन 4 मार्क और 5 मार्क्स के लिए आप लोग को लर्न करने की जरूरत नहीं है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो लास्ट सेक्शन में आने वाले हो, वो कंपलसरी पार्ट 1 में से चारों चैप्टर में से एक-एक आएंगे, ठीक है। अभी थोड़ी बहुत हम बात कर ले चैप्टर्स की। फर्स्ट चैप्टर है इंडेक्स नंबर, उस चैप्टर में से आप लोग को 12 मार्क्स का वेटेज है। सेक्शन ए के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, बी में 1 मार्क्स का, सी में 1 मार्क्स का, सी में 2 मार्क्स का, डी में 3 मार्क्स का। सेक्शन ई में कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा नहीं जाएगा और सेक्शन एफ में 5 मार्क्स का। लीनियर कोरिलेशन चैप्टर का भी सेम वेटेज है जैसे इंडेक्स नंबर का है। सेक्शन ए में 1, बी में 1, सी में 2, डी में 3, एफ में 5। ऐसे ही लीनियर रिग्रेशन 1+1+2+3+5, ऐसे ही पार्ट 1 के चारों चैप्टर्स के आप लोग को 48 मार्क्स, 12 × 4 48 मार्क्स में आप लोग को स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 क्लियर करना है। और पार्ट 2 की बात करें तो वो सारा प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर है, उसमें आप लोग को सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आएगा, मतलब 1+1 = 2। देन आफ्टर सेक्शन डी के अंदर 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर में 3+3 = 6 and 4 = 10। ये 10 मार्क के आप लोग को सम ही आएंगे, 1+1 2 मार्क्स की थ्योरी आएगी। 12 मार्क में प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप लोग को कवर करना होगा। प्रोबेबिलिटी के साथ पार्ट 1 के चारों चैप्टर, ये पांचों चैप्टर आप लोग को 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, मतलब ये पांचों चैप्टर को मिला के 60 मार्क का पेपर ये 5 चैप्टर में से आएगा। बाकी जो बचे 4 चैप्टर्स है उसमें सारे चैप्टर्स में से 10-10 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड नंबर चैप्टर है हमारा रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से आप लोग को सेक्शन ए में एक शॉर्ट क्वेश्चन, बी में एक शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए में एक एमसीक्यू, बी में शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मतलब 5 to 6 सेंटेंस में लिखने वाला, और सेक्शन डी में 3+3, मतलब 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेक्शन डी के अंदर। सेक्शन ई और एफ में
कोई भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 रैंडम वेरिएबल में से पूछा नहीं जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो सेक्शन ए में 1+1 मतलब 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और सेक्शन बी के अंदर 1+1 मतलब कि 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन सी के अंदर 2 मार्क का एक सम आएगा, उसके बाद सेक्शन ई में 1-4 मार्क का सम आएगा। लिमिट की बात करें तो उसमें एक सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू, सेक्शन बी में एक शॉर्ट क्वेश्चन और सेक्शन सी के अंदर 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन ई में 4 मार्क का एक सम आएगा और डिफरेंशिएशन का वेटेज सेम लिमिट के हिसाब से है। लिमिट वाले चैप्टर में जैसे था 1+1 मतलब सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन, बी में 1 क्वेश्चन, सी में 2 क्वेश्चन 2+2 और सेक्शन ई में 4 मार्क का एक क्वेश्चन, ऐसे ही डिफरेंशिएशन में एक 1+1, 2+2 और 4 ऐसे 10 मार्क्स 100 मार्क्स में आप लोग को इस टाइप से स्टैटिस्टिक्स का पेपर बोर्ड का होगा। ठीक है, टोटल आप लोग को 46 क्वेश्चंस आप लोग को लिखने हैं बोर्ड के पेपर में। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। सेक्शन ए के अंदर 1-10 एमसीक्यूज आएंगे, उसके बाद सेक्शन बी में 11-20 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। जो सेक्शन बी में कौन कौन से चैप्टर में कितने पूछे जाएंगे यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आएंगे मतलब 11-20 का बी आएगा। सेक्शन सी की बात करें तो उसमें भी 10 क्वेश्चन है जो 2-2 मार्क्स के हो गए, जो आप लोग को 21-30 में दिए गए हो गए। फिर 31 से लेके 33 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आएंगे, 33 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आएंगे 31 से लेके 38 तक। उसके बाद 4-4 मार्क के 4 क्वेश्चंस हो गए वो 39, 40, 41 एंड 42। वो आप लोग को चारों क्वेश्चंस आप लोग को 4-4 मार्क के 4 क्वेश्चंस आप लोगों को सेक्शन ई में करने होंगे। ऐसे मिला के 39 से लेके 42 तक। उसके बाद 43, 44, 45 एंड 46 जो पार्ट 1 के चारों चैप्टर में से एक क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के लिए। ऐसे करके आप लोग 1-46 ऐसे नंबर में आप लोग को पूरा पेपर कवर। नेक्स्ट वीडियो से आप लोग को हर एक चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग। आप घर बैठे इजीली आप लोग स्टैटिस्टिक्स की स्टडी कर पाए, इसलिए आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।